क्या आपने कभी ऐसी वस्तु के बारे में सुना है जिसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया हो? एक ऐसी ही वस्तु जो हमारे सौरमंडल में आई और चली गई, लेकिन अपने पीछे अनसुलझे कई ऐसे रहस्य छोड़ गई। ओ मुआ मुआ जो हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने वाली पहली ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु है, जिसकी रहस्य प्रगति और अद्वितीय विशेषताओं ने इसे एक अनोखा और रोमांचक विषय बना दिया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओ मुआ मुआ का अर्थ है पहला दूत या पहला स्काउट हवाई भाषा में। यह नाम इसे हवाई विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों ने दिया था, जिन्होंने इसे सबसे पहले 19 अक्टूबर 2017 को खोजा था। यह एक पतला लंबी आकृति का पिंड है, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर और चौड़ाई लगभग 80 मीटर है। इसकी आकृति किसी सिगार की तरह है, जो कि अन्य ज्ञात अंतरिक्ष वस्तुओं से काफी अलग है। ओ मुआ मुआ की गति और कक्षा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जब इसे देखा गया, यह हमारे सौरमंडल से काफी तेज गति से गुजर रहा था, लगभग 3,15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यह गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से भी बचा ले गई। यह वस्तु हमारे सौरमंडल से नहीं बल्कि बाहर से आई थी। ओमुआमुआ ने अपने व्यवहार से वैज्ञानिकों को और भी हैरान कर दिया। यह केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नहीं चल रहा था, बल्कि इसमें कुछ अतिरिक्त बल भी शामिल था। यह बल शायद किसी गैस या धूल के रिलीज होने का कारण था, लेकिन इसकी कोई पूंछ नहीं थी जिसे धूमकेतु की होती है। इसका मतलब यह था कि यह कोई साधारण धूमकेतु या फिर शुद्र ग्रह नहीं था। ओमुआमुआ की उत्पत्ति और रचना को लेकर वैज्ञानिकों के बीच कई सिद्धांत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक क्षुद्र ग्रह हो सकता है जो किसी दूसरे तारामंडल से आया हो, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह किसी दूसरे सौरमंडल से आया हुआ धूमकेतु हो सकता है। इसकी संरचना अभी तक समझ में नहीं आई है, लेकिन इसकी सतह की बनावट ने वैज्ञानिकों को संकेत दिया है कि यह धातु या उच्च गलत वाली बर्फ से बना हो सकता है। और मुआमुआ की अजीब विशेषताओं ने कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया प्रोब हो सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अवी लोएव ने इस थ्योरी का समर्थन किया और कहा कि इसकी असामान्य गति और परावर्तन गुण इसे एक कृत्रिम वस्तु होने का संकेत दे सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी को व्यापक वैज्ञानिक समुदाय ने अस्वीकार कर दिया। ओ मुआ मुआ के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रयास किए गए। स्पेस टेलीस्कोप और ग्राउंड वेस्ट टेलीस्कोप का उपयोग करके इसे जितना संभव हो सका उतना देखा गया। इसकी गति और दिशा की निगरानी की गई और इसकी सतह की बनावट और संरचना का अध्ययन किया गया। इसके बावजूद ओ मुआ मुआ ने अपने बारे में बहुत कम जानकारी दी और अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। ऐसे अंतरतारकीय पिंडों का अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक जानने में मदद कर सकता है। भविष्य में हमें और अधिक ऐसे आगंतुक मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।